वेलकम टू मैथिक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी ICSE क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आखिर आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर कौन कौन से हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जैसा बच्चों से पूछा था कि अगर आपको मैथ्स के मोस्ट ईजी चैप्टर्स जानने हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो कुछ एक बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर आखिर मैथ्स के वो कौन कौन से ईजी चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें पहले कंप्लीट करना चाहिए, फिर जिन्हें हमें जो हमारे लिए ईजी रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ्स में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होते हैं, उनको मैथ्स से कह लो एक तरीके से डर लग रहा होता है, या फिर मैथ्स के सॉल्यूशन करने में, मैथ्स को कवर करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका जो पहला कह लो फोकस होना चाहिए कि आप मैथ्स से बहुत ज़्यादा डरो मत, आप कोशिश करो कि आप फुल सिलेबस कवर करो, मैथ्स का फुल सिलेबस कवर करो। बट अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपको वाकई मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। इस वीडियो में आपको कम से कम 10 या 12 चैप्टर ऐसे बताए जाएंगे जो मैथमेटिक्स के बहुत ही ईजी चैप्टर्स हैं, जिनको आप कवर करके ईजिली अपने बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। देखो, जो हमारा पहला चैप्टर है बैंकिंग है, जो मुश्किल से एक या दो फार्मूले इस पूरे के पूरे चैप्टर में अप्लाई होते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट ईजी चैप्टर है आपके लिए। इससे एक MCQ भी आपको आपसे पूछा सकता है, मतलब कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से तो 100% आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है, बैंकिंग से। देन सेकंड नंबर पे जो आपका आता है, जो आप बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए बैंकिंग के बाद, पहले मैं एकदम मोस्ट ईजी चैप्टर आपको बता देता हूँ, रिफ्लेक्शन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ लेंगे तो 5 to 6 मार्क के क्वेश्चन इससे 100% आपके बनने वाले हैं, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे, लेकिन थर्ड नंबर पे जाने से पहले मैं आप बच्चों से पूछना चाहूँगा, या फिर कह लो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके स्कूल में मैथमेटिक्स की कौन सी बुक पढ़ाई जाती है, कौन से पब्लिकेशन का बुक आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप प्रेफर करते हो, ठीक है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। देन थर्ड नंबर पे जो आपका चैप्टर आता है, जो आप बच्चों को पहले प्रिपेयर करना चाहिए, जो ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है, वो है आपका प्रोबेबिलिटी। देखो मैं सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहा, मैं बस ऐसे आपको बताते चल रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी, इससे भी 5 to 6 मार्क के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहते ही रहते हैं, ठीक है। देन अगला जो चैप्टर है, जो आप बच्चों के लिए कह लो ईजी रहेगा, जिसको आपको ईजिली पढ़ना चाहिए, फोर्थ नंबर पे प्रोबेबिलिटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपका है मैट्रिसेस। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन मुश्किल होता है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है, मैट्रिसेस आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम्स में पूछे आएंगे, ठीक है। देन फिफ्थ नंबर पे जो हमारा चैप्टर होगा, ये चैप्टर आपका है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, 13 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा लेंदी है, एक्सरसाइज ज़्यादा हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। देन सिक्स्थ नंबर पे जो चैप्टर आपका आता है, जो आप बच्चे ईजिली कवर कर पाएंगे, ईजिली कर पाएंगे, ये आपका आता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। देखो हर एक चैप्टर आपका डिफिकल्टी लेवल के वाइज मैंने लिखा है, ईजी सबसे ईजी पर रखा है, फिर प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, स्टैटिक्स, जो जिनका थोड़ा थोड़ा कह लो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, फिर भी ये वन ऑफ द मोस्ट ईजी चैप्टर्स हैं आपके, जिनमें बहुत ही कम एक्सरसाइज है और बहुत कम मेहनत में आप काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। देन सेवन्थ नंबर पे जो आपका आता है, ये आपका है लीनियर इन इक्वेशंस। या इक्वेशंस ऑलरेडी आप क्लास 6, 7, 8 से पढ़ रहे होते हैं, तो ये समझना बहुत हमारे लिए ईजी होता है लीनियर इन इक्वेशन। देन 8th नंबर पे जो आपका आता है चैप्टर, जिसको आप बच्चों को करना चाहिए, 8th नंबर वाला जो चैप्टर है, जिसको आप लोग कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट मान के छोड़ रहे होते हो, जिससे आप अपने आप को बचा रहे होते हो, भाग रहे होते हो, ठीक है, वो चैप्टर आपका है मेंसुरेशन। मैंने जैसा बोला कि आप बच्चे इसको स्किप कर रहे होते हैं, बहुत ही ईजी होता है, आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया गया है, आपके लिए काफ़ी ईजी है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, आप थोड़ा सा सही से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेंसुरेशन को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और 3-4 क्वेश्चन आ रहे हो, 2 क्वेश्चन तो आप पक्का कर लोगे, ठीक है। देन 9th नंबर पे आपका आता है GST, ये भी आपके कह लो प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है, प्रॉफिट लॉस ये सब कैलकुलेट करना, परसेंटेज कैलकुलेट करना, इन पे डिपेंडेंट ये भी चैप्टर है GST, इसको भी आप काफ़ी ईजिली कर पाएंगे अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। देन 10th नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्सन,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे कुछ एक टाइप के फिक्स क्वेश्चन हर बार आपसे पूछे जाते हैं लाइक कंपोनेंट एंड डिविडेंड वाले, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप इनको कर सकते हैं, ठीक है, 10th नंबर पे। देन अगला जो चैप्टर आप बच्चों के लिए होगा चैप्टर नंबर 11, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जिसको आप स्किप नहीं करेंगे, जिसको आप करके 100% जाएंगे, वो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा आपके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ लो, एंड इसमें एक आता है नेचर ऑफ रूट्स वाला, ये दो टॉपिक आप कर लो, नेचर ऑफ रूट्स। इससे क्वेश्चन 100% दो क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे ही पूछे जाते हैं। इन चैप्टर्स को यानी जो मैंने 11 आपको चैप्टर्स बताए हैं, अगर आप इनको प्रिपेयर करके जाते हो तो आप इजीली अपने एग्जाम्स में मोर देन 40-50 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। इस रेंज में आपका मार्क्स आने का पूरा चांसेस है, लेकिन अगर आपको 80 out of 80 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको फुल सिलेबस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने बोला है इतने इसके रेंज में आपके मार्क्स आ सकते हैं 40-50, इसमें हो सकता है आपके इंटरनल मार्क्स भी काउंटेड हैं जो आपको 20 मार्क्स स्कूल से मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको 100 out of 100 मार्क्स चाहिए तो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ये जो 10 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसा बच्चों को बोला था, आप इनको कर लो। अगर आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इनसे स्टार्ट कर सकते हो, इनको आप पहले कवर करो, बाकी जब आपका समय बचेगा तो आगे आपको और भी बहुत सारी टेक्निक्स बताई जाएंगी कि आप क्या आगे पढ़ सकते हैं। जैसे इसके बाद से अगर आप 12th नंबर पे मेरे से पूछना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 12th नंबर पे आप AP एंड GP पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है, AP एंड GP। देन 13th नंबर पे आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं, इसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमारे चैप्टर्स हैं जिनको आपको करना चाहिए। बाकी हमारे इस चैनल पे ML अग्रवाल बुक के सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन आप बच्चों को प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू।